ओके सर, हमारा कहाँ कहाँ कितना कंप्लीट हो गया था? यूनिट 1 हो गया था, 2, ओके 3 एंड 4 रह गए एंटरप्रेन्योर स्किल. ठीक है, व्हाट इज, डिस्कस करते, कोई बता सकता है व्हाट इज एंटरप्रेन्योर? व्हाट इज एंटरप्रेन्योर? चैट बॉक्स में नहीं लिखना, किसी को आंसर पता है तो ठीक है, आंसर्स लिखेंगे. मैम, एंटरप्रेनर इज अ पर्सन हु एस्टेब्लिश अ बिजनेस और अ वेंचर दैट जनरेट्स सम वैल्यू. राइट, अ पर्सन हु टेक्स द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस. ठीक है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखें. व्हाट इज एंटरप्रेन्योर? सिंपल, वेरी सिंपल. एन एंटरप्रेनर इज अ पर्सन हू एस्टैब्लिश अ बिजनेस That's it. ठीक है, स्टार्ट अ न्यू बिजनेस विद आई ऑन व्हाट आइडेंटिफाइज एंड व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप्स एंड सोसाइटी. एंटरप्रेन्योरशिप से क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप? कोई बता सकता है इसका आंसर? एंटरप्रेन्योरशिप्स क्या होगा? चलो पूछते हैं किसी से. हाँ बेटा, मैम, एंटरप्रेन्योरशिप वो होता है कि है ना, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना और वो भी अवेलेबल रिसोर्सेज में. गुड, एंटरप्रेन्योरशिप्स क्या होगा? वेरी गुड, एंटरप्रेन्योरशिप डेफिनेशन क्या? मेरी आवाज आ रही है? इट कैन डिस्क्राइब एज स्टार्टिंग अ बिजनेस बाय यूजिंग some risk by using the resource available to the person. Person, okay. Entrepreneurship क्या होता है? It can describe as starting a business by using resource available person. जो भी हमारे पास resource है, उसे हमें business 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 को start करना, ठीक है? Available to a पर्सन. फाइन, ओके, नेक्स्ट है. इसमें कुछ पॉइंट्स हैं. रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. रोल एंड इम्पोर्टेंस बता सकता है पॉइंट इसके? मैम, हेल्प हेल्प्स इन वेल्थ क्रिएशन. हेल्प्स इन वेल्थ क्रिएशन. हाँ, क्या उसका मतलब?
मैम इसका मतलब होगा एंटरप्रेन्योरशिप को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो बेनिफिशियल है सोसाइटी के लिए। ठीक है, हैज प्रूवन टू बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ वेल्थ क्रिएशंस फॉर द एंटरप्रेन्योर एंड एंड द पीपल इन्वॉल्वड। एज अ रिजल्ट द इकोनॉमी ऑफ द लोकल एरिया इंप्रूव्स एंड डेवलप। ठीक है, फर्स्ट है, फर्स्ट पॉइंट यदि डिस्कस करें इसका क्या हो सकता है, हेल्प्स इन वेल्थ क्रिएशन। जब भी कोई पर्सन एक बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको ये अप्रूव करना होगा, या उसको एक ऐसा मतलब प्रूफ इन द सेंस कि जो भी वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो एक सोसाइटी के लिए इम्प्रूव हो, मतलब उसके लिए सोसाइटी के लिए फ़ायदा हो। ठीक है, वेल्थ क्रिएशन। सो वेल स्टेबलिंग इंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट द रिसोर्स एंड अट्रैक्ट कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर लेंडर्स एंड द पब्लिक, रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ पब्लिक वेल्थ एंड अलाउ पीपल टू बेनिफिट। ठीक है, मतलब अमाउंट्स ऑफ गुड्स हो, गुड्स अवेलेबल रहो, समझ में। हेल्प्स इन वेल्थ क्रिएशंस, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको वेल्थ क्रिएशंस होना चाहिए, मतलब लोगों को, सोसाइटी को भी वेल्थ का मतलब वेल्थ मिलना चाहिए। वेल्थ इन द सेंस कि जैसे अब सपोज एक शॉप ओपन हुई है, ठीक है, आपके सोसाइटी में, तो उसमें क्या होगा, लेबर्स होंगे, लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनके घर में पैसा आएगा, तो इस तरीके से हेल्प्स इन वेल्थ क्रिएशंस। नेक्स्ट है एड्स टू नेशनल इनकम, कोई एक्सप्लेन कर सकता है, एड्स टू नेशनल इनकम। उससे न्यू मार्केट क्रिएट होंगे तो सोसाइटी मतलब कंट्री की वेल्थ बढ़ेगी और उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेंगे तो उससे नेशनल इनकम में इंक्रीज होगा। हाँ ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा कि सपोज एक पर्सन है जो कि क्या करता है, उसकी एक गारमेंट्स की शॉप है या बहुत बड़ा शोरूम है, ठीक है, तो कोई मुझे बता सकता है कि उसको वो किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकता है, मतलब किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट लोगों को दे सकता है, कोई इसका आंसर दे सकता है मुझको। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि सपोज एक पर्सन है, ठीक है, उसकी मेरी आवाज़ आ रही है मितुषी, मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? यस मैम। ना एक पर्सन है, उसके एक बहुत बड़ा शोरूम है गारमेंट्स का, तो वो किस तरीके से लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, क्या क्या दे सकता है, ये सपोज गारमेंट का शोरूम ना बोल के गारमेंट्स की उसकी फैक्ट्री है, तो किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, कोई बता सकता है? कार्तिक है, कार्तिक है, ऑनलाइन नहीं, मतलब जैसे सपोज मैंने बोले एक पर्सन है, उसकी एक फैक्ट्री है गारमेंट्स की, ठीक है, गारमेंट्स इन द सेंस वो कपड़े बनाने की उसकी फैक्ट्री है, तो वो लोगों को किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, किस तरीके से, समझ रहे हो मेरे क्वेश्चन, समझ में आया किस तरीके से, मतलब क्या क्या एम्प्लॉयमेंट दे, है ना, क्या क्या एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। ओके, फैक्ट्री वर्कर रखकर, और सपोज एक मैंने एक बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में भी दे सकता है, गुड। और सेलर, सेलर भी, हाँ सेलर भी रख सकता है, मशीनरी, मशीनरी कैसे, साक्षी धाकर, मशीनरी क्या, साक्षी धाकर मशीनरी क्या मैम, मतलब उसके वर्किंग के लिए जो भी कुछ मशीन वगैरह यूज होगी वो प्रोवाइड कर सकता, मतलब उस मशीन को एक पर्टिकुलर कोई पर्सन चलाएगा, राइट, ये कहना चाह रही हूँ ना, ठीक है, वो वर्कर्स में आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में हो जाएगा, जो गुड्स है उसको लोड, अपलोड और लोड करना रहेगा, उसमें भी वो एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, ठीक है, यदि वो मैकेनिक ये विल यूज मशीनरी, हाँ ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है,
एंड जैसे पैकिंग के लिए दे सकता है, सेलिंग के लिए कर सकता है। तो इस तरीके से एक यदि एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेनर एक जो होता है वो हमारी इस तरीके से क्या, अच्छा इसमें एड्स टू नेशनल इनकम का सबको समझ में आता है कि यदि सबके पास एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है, सबके लिए लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, सबके घर में सब अच्छा अच्छा चलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो सकता है, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, पहला है हेल्प इन वेल्थ क्रिएशन, भाई यदि उसको एम्प्लॉयमेंट काम मिलेगा तो पैसा भी मिलेगा। एड्स टू नेशनल इनकम, यदि जितना जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा हर लोगों के पास उतना उतना पैसा होगा, लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएट्स एम्प्लॉयबिलिटी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मतलब तो उसको एक ऐसा बिजनेस MENT एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ओके अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो गए, मतलब यदि ज्यादा बिजनेस होगा तो उसके अपॉर्चुनिटीज भी, उसको एम्प्लॉयबिलिटी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ओके जैसे सपोज लीड्स बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है, लीड्स टू अ रीजनल लीड्स टू अ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। ये पॉइंट क्या कहता है, यदि किसी बैकवर्ड एरियाज में यदि हम कोई फैक्ट्रीज या कुछ भी बड़ा प्लांट मतलब बड़ा प्रोजेक्ट यदि ओपन करते हैं तो उसके थ्रू क्या होता है, हम बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है, उनको क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है। कोई एक एग्जाम्पल बता सकता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन ये है कि रीजनल डेवलपमेंट मींस कि सपोज कि एक बैकवर्ड एरिया में यदि कोई भी फैक्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री हम ओपन करते हैं तो उसके थ्रू हमको बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे क्या हो सकता है, मेरा क्वेश्चन समझ में आया, मैं क्वेश्चन समझ में आया बेटा, यस मैम है ना, तो क्या एग्जाम्पल हो सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग, ठीक है, वो तो ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग, वो तो वर्कर्स हार्डली 1 साल या 1.5 साल के लिए बाहर रहेंगे, एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिला उनको, तो 1.5 साल का उनको एम्प्लॉयमेंट हुआ, लाइफ टाइम कहाँ हुआ एम्प्लॉयमेंट, क्वेश्चन समझ में स्कूल मेरा, सेटअप करेंगे तो उसमें टीचर्स एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। ठीक है, बट बैकवर्ड एरियाज है, कोई बच्चे ही नहीं भेजेगा फिर, ठीक है, बैकवर्ड एरियाज है ना, मतलब मैंने बोला बैकवर्ड एरिया है, बैकवर्ड एरियाज है यदि आप स्कूल फैक्ट्रीज कैन बी सेटअप, हाँ फैक्ट्रीज तो मैं सेटअप कर रहे हैं, एग्जाम्पल दो क्या हो सकता है, एग्जाम्पल समझ रहे हो, नहीं समझा, क्वेश्चन समझ में आया मेरा, अच्छा फिर से रिपीट करूँ, ठीक है, मैंने ऐसा बोला कि चलो ठीक है और इजी बना, मैंने ये बोला कि मैंने एक बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे मैंने एक फैक्ट्री या कोई बड़ा प्रोजेक्ट सेटअप किया है, ठीक है, और उसका मुझे एग्जाम्पल दो आपके आसपास क्या हो सकता है वो, जैसे मैंने बोला कि मेरे घर के सामने एक शॉप है गारमेंट्स की, तो आप लोग बोलोगे फलाने फलाने की शॉप है, वैसा एक एग्जाम्पल दो, क्वेश्चन समझ में आया मेरा, क्वेश्चन समझ में आया तो यस बोलना, करते कार्तिक है, हाँ जैसे NFL हो गया, गेल हो गया, JP हो गया, उससे अब आप लोग सोच सकते हो कि यदि हम JP का एक एग्जाम्पल लें, ठीक है, या गेल का लेते हैं, गेल में जैसे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, तो एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, एक जो मेन एम्प्लॉयज है उनको भी एक एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, भाई फैक्ट्री ओपन करिए, उनके घरों में जो मेड जा रही है उनको मिल रहा है, टीचर्स हो गए, स्कूल्स ओपन हो गए, हॉस्पिटल्स ओपन हो गए, शॉप हो गई, ये सब क्या हो रहा है, एम्प्लॉयबिलिटी मिल रही है। तो इस तरीके लीड्स टू अ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, यदि हम आज से कुछ साल पहले, ठीक है,
जब यहाँ पे गिल सेटअप नहीं था तो देखें तो ये क्या था, एक बंजर था यहाँ पे, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था, बहुत प्रॉब्लम से रहते थे कुछ लोग रहते थे, फिर धीरे धीरे लोगों ने आना स्टार्ट किया, ठीक है, गुड। ओके, तो लीड्स टू अ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, मतलब यदि हम किसी बैकवर्ड एरियाज में यदि हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट या कुछ ओपन करते हैं तो उससे क्या मिलेगा, उससे एम्प्लॉयमेंट हमारा ज़्यादा बढ़ेगा, एक से दो, दो से, इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट अच्छा होगा। फिर देन नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें तो इम्प्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इम्प्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, लोगों के पास पैसा होगा तो भाई उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई होगा। ओके फाइन, अच्छा नेक्स्ट है, बस इतने 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेनर में क्या हो सकता है, ये पॉइंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटीज ऑफ क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेनर, एंटरप्रेनर की स्पेलिंग गलत है, क्वालिटीज ऑफ इंटरप्रेनर्स ये क्या हो सकता है, फर्स्ट इज पैशन, उसमें पैशन होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, फर्स्ट इज पैशन, सेकंड इज मोटिवेशन, ओके थर्ड इज डबल आई आ गया, थर्ड इज ऑप्टिमिज, ऑप्टिमिज्म, फोर्थ विजन, क्लियर विजन होना चाहिए कि उसको जो भी बिजनेस ओपन करना है, फिफ्थ एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी होना चाहिए, ओपन माइंडेड, ओपन माइंड डेड, सेवेंथ सेल्फ स्टार्टर, आप लोग 9th में भी आई थिंक पढ़ चुके हो ना, जिसके पास बुक नहीं है यदि इसमें प्रॉब्लम है तो 9th की बुक में भी लास्ट में दिया हुआ है, सेम ही है। ये जो मैं पॉइंट्स लिखवा रही हूँ इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, और वो पॉइंट्स उसमें बुक में डिटेल, 9th की बुक से डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। सेल्फ स्टार्टर, ओपन माइंडेड होना चाहिए, रिस्क, रिस्क टेकर, रिस्क भी लेना चाहिए, नहीं कि रिस्क नहीं ले तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा। 9, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बहुत सारे हैं, स्ट्रॉन्ग पीपल स्किल, कॉम्पिटिटिव, डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग वर्क, वर्क एथिक, ठीक है। 10th है डिटरमिनेशन, 11th के पास बुक नहीं है, वो 11th की बुक, सॉरी 9th की बुक से भी देख सकता है, और कोशिश कर लो तो कि बुक ले लो, कॉम्पिटिटिव, ठीक है। 12th इसी Pain, 13, yes, that's it. Strong, POPLE people, skills, fine. Okay.
ये क्या होना चाहिए, सारे एंटरप्रेनर्स में क्वालिटीज होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, भाई अपनी शॉप या जो भी हो टाइम पे खोलना चाहिए, नहीं आज खोल रहे कल नहीं खोल रहे, स्ट्रॉन्ग पीपल स्किल्स होनी चाहिए, भाई पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, अपनी बात कन्वेंस कर सके, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, ठीक है, कॉम्पिटिटिव बाय नेचर यूटिलाइज अपॉर्चुनिटी टू एस्टेब्लिश में, ठीक है, सक्सेसफुल कॉम्पिटिटिव उसमें होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, मतलब रेगुलर काम करना चाहिए, ये नहीं कि आज कोई आया नहीं तो हम कल नहीं शॉप ओपन करें या जो भी है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, रिस्क रिस्क से टेकर होना चाहिए, बड़ा सेटअप कर रहा है तो उसको रिस्क भी ले, सेल्फ स्टार्टर, खुद से स्टार्ट कर सके, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं कि बैठा हेल्प देख रहा है तो, ओके, ओपन माइंडेड होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसमें, विजन उसका प्रॉपर होना चाहिए, ऑप्टिमिजम्स मतलब क्या होगा कि उसमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए कि सपोज आज उसका बिजनेस नहीं चला है तो इन फ्यूचर उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा या अच्छा बिजनेस चलेगा, नेक्स्ट मोटिवेशन होना चाहिए उसके अंदर और पैशन होना चाहिए, ठीक है, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ठीक है, तो इसके जिसके पास बुक नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और 9th की बुक से इसमें मिल जाएगा, 9th की बुक में से पढ़ लेना, यदि बुक नहीं है तो जो पीडीएफ मैंने भेजा है उसमें से देख लेना, उसमें पूरे कंटेंट्स नहीं दिए हुए इसमें पीडीएफ में, ठीक है, ओके, महक समझ में आया बेटा, यस मैम। है ना, तो 9th की बुक में से देख लेना और ये हाँ बेटा, यूनिट 3 ऑपरेटिंग सिस्टम वाली पीडीएफ मिल सकती है क्या मैम? इंटरनेट पे सर्च नहीं। किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की यस मैम। इंफॉर्मेशन, आईसीटी की, ये यस मैम। है ना, इसका एक काम करना, एक बार 9th की बुक में देख लेना, अच्छा वो जो पीडीएफ सेंड किया उसमें कितना यूनिट्स हैं, मैम उसमें सेशन 1 और सेशन 2 है, पार्ट ए के, और उसके बाद पार्ट बी का सेशन। हाँ उसमें पूरे सेशंस नहीं दिए, ठीक है, देख लेना कितने की दे रहा है ये बुक, 499 की, महंगी दे रहा है, ठीक है, चलो उसमें से ये जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, ये एंटरप्रेनर स्किल, ये आप लोगों को उसमें 9th की बुक में ही मिल जाएगा, तो एक बार 9th की बुक में चेक कर लेना, नहीं मिलता तो फिर देख लेंगे अपन, ठीक है, यदि जिसके पास बुक है तो वो पीडीएफ बना के सबको सेंड कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या बुक ले लेना आप लोग, क्योंकि बुक तो लेनी पड़ेगी, ओके, अच्छा किसी को डाउट, इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, आई होप कर ही लोगे तुम लोग, 1, 2, 3, 4 यूनिट है, नेक्स्ट क्लास में इसका थोड़ा सा रह गया इंटरप्रेनर वाला, वो कंप्लीट करके फिर थोड़ा थोड़ा टेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे, कुछ नहीं करना, 15 है ना, हाँ इशिका, इशिका कुछ डाउट नहीं है इसको, डाउट ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट कौन सा हमारा, कम्युनिकेशन स्किल, तो सेशन 1 एंड सेशन 2 का मैं ओरल टेस्ट लूंगी, ठीक है, ओरल टेस्ट इन द सेंस कि सबसे मैं ओरली पूछूंगी रोल नंबर वाइज, ठीक है, सेशन 1 यूनिट 1, सेशन 1 एंड सेशन 2, यूनिट 1 सेशन 1 एंड यूनिट 1 का सेशन 1 एंड सेशन 2 कम्युनिकेशन स्किल, ओरल पूछूंगी, 3 टाइम्स नेम लूंगी, यदि वॉइस आवाज आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो मैं उसको रिमूव कर दूंगी मीटिंग से, ठीक है, ओके, तो ओरल टेस्ट होगा आप लोगों का, पैटर्न नहीं बताया क्या मैंने, बताया तो था लास्ट क्लास में, अच्छा एक मिनट रुको बताती हूँ मैं,
इसमें क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा आप लोगों का 10th क्लास का, यहाँ मैं लिख देती हूँ 10 MCQ, ठीक है, जो कि आपके रहेंगे कितना 20 25 मार्क्स का पेपर है ना, तो 10 MCQ जो कि 5 मार्क्स के रहेंगे, मतलब एंड 5 मार्क्स का. लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, 15 डिस्क्रिप्टिव रहेगा. चलो मैं बताती हूँ, लास्ट क्लास में बताती हूँ. 15 मार्क्स आपका, 25 मार्क्स का ना, तो 15 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा. ओके, 15 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहेगा जो लिख के आपको सेंड करना रहेगा. 10 MCQ रहेंगे 5 मार्क्स के, हो गया 25, 20 हो गया ना. एक 5 मार्क्स का और जी गूगल फॉर्म में हो सकता है, गूगल फॉर्म में, ठीक है, गूगल फॉर्म में लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वो कुछ भी हो सकता है, ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स. ओके फाइन, समझ में आया? ताने समझ में आया? 10 MCQ रहेंगे 5 मार्क्स के, 15 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा आपका जो लिख के आपको भेजना रहेगा, मतलब टोटल आपका पेपर जो होगा वो 25 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, 5 मार्क्स का. और गूगल फॉर्म्स में या तो ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं. और ये जिसको डाउट है तो अपन नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस कर लेंगे इसका पैटर्न, ठीक है. एक सेकेंड.